आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बहुभुज व उसके विकर्ण पर आधारित उदाहरण देखेंगे। चूंकि आप बहुभुज के बारे में भली भांति जान चुके हैं, तो अब समय है एक खेल खेलने का। इस खेल के नियम बहुत ही आसान है। आपको यहां एक आकृति दिखाई जाएगी और आपको बताना होगा कि वो बहुभुज है या नहीं। क्या आप तैयार हैं? बहुत अच्छे। हमारी पहली आकृति है एक वर्ग। क्या वर्ग एक बहुभुज है? हां, वर्ग की चार भुजाएं व चार शीर्ष हैं तथा यह एक सरल बंद वक्र है, इसलिए यह एक बहुभुज है। अब हमारे पास है, मुझे भी नहीं पता कि इसे क्या बोलते हैं, पर क्या यह एक बहुभुज है? नहीं, क्योंकि यह एक खुला वक्र है, इसलिए यह बहुभुज नहीं हो सकता। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, यह एक बहुभुज है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? क्योंकि इसकी सात भुजाएं हैं, इसलिए यह एक सप्तभुज है। क्या वृत्त बहुभुज है? यह एक बंद वक्र है, क्योंकि वृत्त की भुजाएं शीर्ष या कोण नहीं होते, इसलिए यह बहुभुज नहीं है। यह कुछ रोचक लग रहा है। यह एक सरल बंद वक्र है जिसमें भुजाएं व शीर्ष भी हैं, परंतु इसमें यह एक वक्र हिस्सा भी है। क्या इस वक्र हिस्से के साथ यह एक बहुभुज हो सकता है? हम जानते हैं कि एक बहुभुज केवल रेखा खंडों द्वारा बना एक सरल बंद वक्र होता है, इसलिए यह आकृति बहुभुज नहीं है। बहुत खूब, आप सभी ने बहुत ही अच्छे से यह खेल खेला। आइए अब एक और प्रश्न देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक सप्तभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? सबसे पहले इस सप्तभुज को नामांकित करते हैं। हम जानते हैं कि बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों यानी आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो आइए शीर्ष ए से शुरू करते हैं। अब शीर्ष बी से विकर्ण बनाते हैं। इसी प्रकार शीर्षों सी डी व ई से विकर्ण बनाते हैं। जब हम शीर्षों एफ तथा जी से विकर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि इन शीर्षों से बनने वाले सभी विकर्ण पहले ही बन चुके हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि शीर्ष ए से चार, शीर्ष बी से चार, शीर्ष सी से तीन, शीर्ष डी से दो तथा शीर्ष ई से एक विकर्ण बनते हैं। अतः एक सप्तभुज में कुल 14 विकर्ण होते हैं। आज हमने कुछ उदाहरणों की मदद से बहुभुज व बहुभुज के विकर्ण के बारे में समझा। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या अवधारणाओं को जानेंगे।